हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू रश्मि ब्लॉगर नागपुर। सो आज हम देखेंगे बोट के ईयरफोन्स। ये है वायर्ड ईयरफोन्स, ये हमने खरीदे हैं फ्लिपकार्ट से। सो गाइस, इन बोट का जो भी ईयरफोन्स है, इनका प्रोडक्ट कोड है 103 ब्लैक बी। बेसिकली ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए है एंड इसका हैशटैग है गेट हुक्ड, और ये 103 कोड के बोट ईयरफोन्स है। चलो आज हम इनका रिव्यू देखते हैं एंड कैसे यूज करना है ये देखते हैं। सो बेसिकली दिस इज सुपर एक्स्ट्रा बास। इट हैज अ सुपर एक्स्ट्रा बास, मतलब काफी अच्छी साउंड होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, फिल्टर होके आएगी। इट ऑल्सो हैज एन इनलाइन माइक। इसमें ऐसा होगा कि वट एवर यू से, जो भी आप कहोगे वो इस माइक से, माइक के थ्रू एज अ इनपुट लेगा। इसमें एक इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन कंट्रोल है। इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन कंट्रोल इज जस्ट लाइक कि तुम बटन से माइक को ऑपरेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको माइक चालू करना है देन प्रेस द बटन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईयरफोन्स लगाए हैं, आपका कॉल आता है, यू वांट टू रिसीव द कॉल, देन आप वो बटन प्रेस करें, आपका कॉल रिसीव। आपको कॉल कट करना है, बटन प्रेस करें, कॉल विल एंड। इसका जो भी ईयर प्लग है, प्लग का जो प्लगिंग है वो एंगल्ड है एट 3.5 mm जैक। सो बेसिकली इस एंगल का मतलब है कि वेर एवर आप इसे अटैच करोगे फोन पे, यू कैन यूज इट वेरी वाइजली ड्यू टू द एंगल एडजस्टमेंट। इसका जो भी बटन है वो लॉन्ग प्रेस मल्टी फंक्शन बटन है टू एक्टिवेट वॉइस असिस्टेंट। जैसे गाइज आप आजकल देखते हो कि गूगल पे एक वॉइस असिस्टेंट आता है, एक माइक रहता है, जब आप गूगल पे जाते हो वो माइक क्लिक करते ही आपको टाइप करने की जरूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्ट गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सो ये माइक ऑन करने के लिए ये जो लॉन्ग प्रेस मल्टी फंक्शन बटन है इसका काम करेगा। आप जैसे ही इस बटन को दबाते हैं आपका गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। तो गाइज हम देखते हैं अभी इस पैकेट के अंदर क्या क्या है। पहले तो इस पैकेट के अंदर है एक 1N इन ईयर हेडफोन, एक हेडफोन है। उसके अलावा आपको 2 पेयर ऑफ ईएमएफ्स मिलेंगे। ईएमएफ्स यानी गाइज ये जो हेडफोन पे जो लगे हुए दो प्लास्टिक के बड्स हैं जो आपके कान में जाके फिट होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफी सालों के यूज के बाद आपके ईयरमफ्स गिर सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो इसके लिए इन्होंने बैकअप के लिए 2 ईयरमफ्स दिए हुए हैं जिन्हें आप कभी भी लगा सकते हो अगर आपके ईयरमफ्स इन केस गिर जाते हैं तो। ये एक काफी अच्छी चीज है गाइस, क्योंकि हर हेडफोन्स या ईयरफोन्स के साथ नहीं मिलती। इसके साथ है एक 1N वारंटी कार्ड। आपको एक वारंटी कार्ड दिखेगा इसके साथ साथ, जैसे इसे अभी आप देख सकते हैं। तो ये जो वारंटी कार्ड है बेसिकली ये 1 ईयर का है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर अंदर आपके ईयरफोन्स को कुछ भी होता है तो आप नियर बाय बोट के स्टोर में जाके ये वारंटी कार्ड दिखा के अपने ईयरफोन दुरुस्त कर सकते हैं। सो गाइज इसका हम देखेंगे प्रोडक्ट रिव्यू। बेसिकली मेरे हिसाब से मैंने ब्लैक कलर खरीदा है। सो ब्लैक कलर हर कोई यूज करता है, जेंट्स, फीमेल, एनीबॉडी, एंड दिस गोज विथ एनी आउटफिट, एनीथिंग, वेर एवर यू गो, ऑफिशियल टास्क हो, कल्चरल टास्क हो, मीडिया मैनेजमेंट, एनीथिंग। सो इट गोज विथ एवरी आउटफिट, इट गोज विथ एवरी जेंडर। एंड मेरी तरफ से प्रोडक्ट रिव्यू में साउंड काफी अच्छी है, फिल्टर होके आती है। सेकेंड थिंग इस कंपनी के है तो गाइज आपके कानों के लिए काफी बेटर है, कान डैमेज नहीं करेगा। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है तो यहाँ पे एक स्कैन की स्कैन करने के लिए एक प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी बार कोड दिया हुआ है, यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड देन आप देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की कितनी एफिशिएंसी है, कितना ओरिजिनल है। उसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदते हैं तो गाइस ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आता है ऑब्वियसली। सो दिस वाज अ रिव्यू फ्रॉम माय साइड। आप यूज करिए और आपको बताइए आपको कैसा लगा।
अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसके ऑपरेटिंग में, सो यू कैन पुट योर कॉमेंट्स इन द चैट बॉक्स. सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग माई चैनल.